गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज हम हड़प्पा सभ्यता की कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम इतिहास के दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसका उल्लेख कहाँ पे है, वैदिक सभ्यता का उल्लेख कहाँ है। तो याद रखिएगा वेदों में। वैदिक सभ्यता का उल्लेख कहाँ पे है, वेदों में। और वेदों के संस्थापक कौन है पूछ लिया जाए तो वेदों के संस्थापक को आर्य कहा जाता है। वेदों के संस्थापक को आर्य कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता की जो समय सीमा है 1500 BC से 600 BC है। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया था, एक भाग पूर्व वैदिक काल, एक भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अगर बात करें वैदिक सभ्यता के काल की तो वैदिक सभ्यता का जो काल है ये दो भागों में है। एक का नाम है उत्तर वैदिक काल, सॉरी पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा आपका कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इनकी चर्चा हम डीप में आगे करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल, इसकी समय सीमा है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक, और इसकी समय सीमा है 1000 BC से 600 BC तक। इनकी चर्चा हम डीप में करेंगे आगे, याद रखिएगा। यहाँ पे पहले हम आर की बात करें। आर कौन है, आर कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, आइए बात करते हैं आर्य। तो सबसे पहले हम अगर आर की बात करें तो याद रखिएगा आर जो है कोई जाति नहीं है, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आर जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछ लेगा कि आर बताइए किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका कोई ये जाति सूचक शब्द नहीं है, एक ऐसा है भाषा सूचक शब्द है। PCS का पेपर उठा के देखिए उसमें मिलेगा, ये भाषा सूचक शब्द है कौन, आर्य। आइए आगे बात करते हैं आर के बारे में कुछ और। आर का अर्थ, क्योंकि भाषा सूचक है तो अर्थ भी होगा, अर्थ क्या होता है आर का, आइए चर्चा करते हैं। तो आर का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, महान और सभ्य, साधु। उसके बाद और बात कर लें तो कुलीन भी हो गया, हाँ ठीक है इतना काफ़ी है। ये सभी आर्यों के क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। आइए, क्योंकि ये भाषा सूचक शब्द है, जाति और सूचक तो है नहीं, तो इसलिए इसके बहुत सारे क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। और आर्यों का जो ये शब्द है ऋग्वेद में 33 बार प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। और आर्य शब्द का इधर बार प्रयोग किसने किया है तो याद रखिएगा आर्य शब्द का इधर प्रयोग किसने किया है, मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का इधर क्या किया है, प्रयोग किया है। अगर आपसे बात किया जाए आर्य शब्द कहाँ से आए थे, अगर पूछे कब प्रयोग किए थे तो ये भी दिमाग में आ गया, बता देते हैं 1853 में आर्य शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और अगर आपसे यहाँ बात कर लें कि आर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो आर की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी तो इसके लिए अगर हम आपसे बात करें तो कुछ लोगों का मान्यता है कि जो आर्य शब्द हुए आए थे ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे किसने कहा, पूछा जाता है। अभी हम इसकी मैप में भी चर्चा थोड़ा बहुत कर देते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे डॉक्टर अविनाथ चंद्र और आपके डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये बातें बताई है कि आर कहाँ से आए थे, यहाँ से। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से कोई कहा है, ब्रह्म ऋषि क्या है तो अभी उसकी भी चर्चा कर देते हैं। ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आ रहे थे किसने कहा, पंडित गंगानाथ झा ने। तीसरे नंबर पे बात करें तो कोई कहा कि कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र से आए थे, तो कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र से आए थे किसने कहा था तो डॉक्टर एल डी कल्हर ने कहा था।
और बात करें चौथे नंबर पे देविका प्रस आपका देविका, ये तीनों जो मत है ना, जो ये तीनों मत है ये भारत में है, याद रखिएगा ये देसी मत है कि आर्य भारत में से ही इधर शिफ्ट हुए थे, ठीक है, मध्य भारत में आ गए थे। और बात करते हैं कि जैसे आपका पूछा जाए देविका प्रदेश से कौन कहा, देविका प्रदेश कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में है। और किसने कहा था, तो याद रखिएगा डी एस त्रिवेदी ने, दे आपका देविका आपका जो ये है देविका प्रदेश, ये आपका कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, एक नदी अभी भी बहती है देविका के नाम से। और बात करते हैं किसने कहा तिब्बत से, ये इम्पोर्टेंट है, तिब्बत से किसने कहा था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती और प्लस पार्टीजर ने, ये दोनों लोगों ने कहा पार्टीजर की जो आर्य आए थे कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो कि आपका किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इसके बारे में बताया गया है। और उत्तरी ध्रुव से किसने बताया है, अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन, ये आर्य लोग, तो उत्तरी ध्रुव से किसने बताया है, तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया है, बाल गंगा धर तिलक ने बताया है। और इनकी एक किताब थी, याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से बताए थे, किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ऑफ द आर्यंस, किसने बताया है, तो याद रखिएगा इन्होंने बताया है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे बात किया जाए किसने क्या कहा और चीज़ों की चर्चा, जैसे अगर आपको बात किया जाए यूरोप में हंगरी से, यूरोप हंगरी से किसने कहा, तो याद रखिएगा यूरोप हंगरी से किसने कहा था, तो ये याद रखिएगा पी गाइल्स ने, पी गाइल्स ने कहा कि जो आर्य लोग आए थे ये आए थे कहाँ से, आपके हंगरी से। और बात कर लेते हैं मध्य एशिया, जो सर्वाधिक मान्यता है इसी की, और यहीं से आए थे ऐसा कहा जाता है, मध्य एशिया के बैक्ट्रिया प्रांत से, तो याद रखिएगा ये किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। कैसे कहा, क्यों कहा, इन सभी की चर्चा अभी हम कर देते हैं। तो आइए हम कुछ मैप की चर्चा कर लें, कुछ मैप में कैसे कैसे मैप की बात किया जाए, तो थोड़ा सा अलग से बनाएं, भारत का रफ मार्क मैप बनाना है, ना कि पूरा वीआईपी मैप ही बना देना है, रफ मार्क मैप अगर आपको देखा जाए, तो आइए बात कर लेते हैं भारत के रफ मैप में बात करें तो ये लोग कहाँ कहाँ से आए थे। तो देखिएगा जो भारत का ये वाला प्रदेश है, ये वाला जो प्रदेश है भारत का, ये वाला प्रदेश, ये तो ये है कश्मीर, कश्मीर और या फिर दे दे हिमालय, कश्मीर या हिमालय से जिसने कहा था उनका नाम की बात करें तो कश्मीर या हिमालय की चर्चा भी हमने पीछे किया है। अगर आपसे और बात कर लेते हैं ये वाला जो प्रदेश है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश, इसे कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। और अगर आपसे बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश ये है, आपको ये भी पता होना चाहिए किसने कहा था हिमालय या कश्मीर से, तो आपको पता होना चाहिए डी आपका एलडी कल ने, एलडी कल्हर ने कहा था कि ये हिमालय से आए थे। और सप्त सैंधव प्रदेश से किसने कहा था, तो अभी बताए थे अविनाथ चंद्र ने कहा था कि ये कहाँ से आए थे, अविनाथ चंद्र और आपके कौन संपूर्णानंद ने कहा कि ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और अगर आपसे बात करें तो ये जो आपका आपका हरियाणा वाला एरिया दिखता है, दिल्ली वाला पंजाब वाला एरिया दिखता है, ये आपका ब्रह्म ऋषि देश कहलाता है। और ये गंगा यमुना जो चलती हैं, गंगा यमुना का जो हिस्सा है, तो जो ये गंगा वाला हिस्सा है, गंगा और यमुना जहाँ पे बहती हैं वो वाला हिस्सा ब्रह्म ऋषि प्रदेश में आता है। तो अगर आपसे बात करें ब्रह्म ऋषि प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से किसने कहा था, अभी आपको हमने बताया था पंडित गंगानाथ झा ने कहा था। पूछा जाता है कभी कभी ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन से एरिया में है, कहाँ है। और अगर आपसे बात कर लेते हैं कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आपके जो ये मध्य भारत से भी आए थे, मध्य देश ये वाला हिस्सा जो होता है, मध्य देश बिहार उत्तर प्रदेश ये हिस्सा क्या कहलाता है, मध्य देश कहलाता है।
मध्य देश से भी कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन जो प्रमाणिक नहीं है उनकी चर्चा हम क्या करें, हमें वैसे ही बहुत सारा पढ़ना रहता है। तो ये हो गया, ये लोग पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गए, तो इसे कहा जाता है ये लोग क्या थे, आर्य थे। ये रहा आपका देसी मत। अगर हम भारत के में भारत में रहे थे, और अब बात करें हम विदेशी मतों की, आइए विदेशी मत की चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपका है पमीर का पठार, पामीर का पठार है। पामीर का पठार से भी कुछ लोगों ने कहा था, किसने कहा था तो याद रखिएगा ओल्डन वर्ग, इम्पॉर्टेंट है जो वहाँ नहीं लिखे यहाँ लिख देते हैं, ओल्डन वर्ग ने कहा या कील ने कहा या फिर एक नाम और आपको बता देते हैं, एडवर्ड मेयर ने कहा कि ये जो आर्य लोग थे ये इतने जगह से, तीन लोग जो कहे कि पामीर के पठार से भारत आए थे यहाँ पे। आइए और बात करते हैं, ओल्डन वर्ग भी हो गए। अगर एक पॉइंट और बात करें तो यहाँ है आपके बगल में क्या, तिब्बत। तिब्बत से किसने कहा था ये आपकी चर्चा हमने कर दिया है, आपका तिब्बत से चर्चा दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने पीछे आपको लिखवा दिए हैं, इनकी किताब में भी ऐसी बातें हैं कि लोग भारत तिब्बत अब आपके भारत में तिब्बत से आए थे। और कुछ लोगों की बात करें तो ये आपका क्या है, यहाँ पे बात करें तो ये देखिएगा यहाँ, यहाँ है हंगरी, हंगरी से भारत आए थे किसने कहा था, तो ये आपको पीछे हमने आपको चर्चा कर दिए। अगर आपको यहाँ भी चाहिए तो आपको बता देते हैं, हंगरी से पी गाइल्स ने कहा था, हंगरी से किसने कहा था, पी गाइल्स ने कहा था। और अगर आपसे बात करें तो ये हमारा रहा मध्य एशिया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे मान्यता पॉइंट ये है, तो मध्य एशिया से भारत आए थे ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये ऐसे आए, तो मध्य एशिया से भारत आए से किसने, और मध्य एशिया में कहाँ से, वैक्ट्रिया प्रांत से, कौन से, वैक्ट्रिया प्रांत से, किसने कहा था, मैक्स मूलर, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मान्यता प्राप्त यही हैं। तो ये रहे आर्य कहाँ से आए, कैसे आए, सारा चीज़ें आपको हमने बता दिए। यहाँ पमीर की पठार से नहीं आ सकते। और एक पॉइंट और, उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे किसने कहा था, पीछे लिखवाया गया बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इधर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया था, पहाड़ को उस समय पार करना मुश्किल था, यहाँ से पाकिस्तान से सीधे आपके यहाँ से आ सकते थे, ये मान्यता प्राप्त देखी जा सकती है कि हाँ ये ठीक है। और भी मान्यता है, कैसे है आइए बात कर लेते हैं। आपको बता दिए कि हंगरी से एलडी कल्लर साहब ने कहा था, तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, ए पी गाइल्स ने कहा था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो आइए बता देते हैं कुछ और चीजें। जैसे तो ये हमने मैप में कुछ चर्चा की, आइए हम बात करते हैं कि मान्यता प्राप्त जो मैक्स मूलर ने है कैसे कह दिया कि यहां से आए थे। तो देखिएगा, मान्यता प्राप्त जो है उनकी चर्चा करते हैं। तो आप बात करें मध्य एशिया, ये यहाँ ठीक है, मध्य एशिया जो मान्यता प्राप्त है उनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे मान्यता प्राप्त है। मध्य एशिया मैक्स मूलर ने बताया है, किसने बताया है, मैक्स मूलर ने बताया है, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और इसके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले कि ये स्रोत कहाँ कहाँ से आए, तो याद रखिएगा जो इसके स्रोत हैं इम्पोर्टेंट ये है, मध्य एशिया से आने के स्रोत कैसे मिले हैं, तो स्रोत सबसे बड़ी बात दो तरीके से स्रोत मिले हैं। पहला स्रोत की चर्चा करेंगे हम साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। दूसरा स्रोत मिला है हमारा, बात करें आपका क्या, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ये दो स्रोत मिले हैं कि यहाँ से आपके आए थे मध्य एशिया से ये लोग आर्य लोग। तो अगर साहित्य, पहले हम पुरातात्विक की बात कर लेते हैं, पुरातात्विक से कुछ बातें आपको बतानी है। तो पुरातात्विक में दो बातें पढ़ेंगे, एक अभिलेख पढ़ेंगे हम, अभिलेख, और दूसरा पढ़ेंगे हम मृदभांड। ये दो बातें हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर अभिलेख की बात करें, अभिलेख की बात करें तो अभिलेख दो प्रकार के मिले हैं। एक मिला है बोगज कोई अभिलेख, एक मिला है बोगज कोई अभिलेख, और एक मिला है कस्सी का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, ये दो चीज़ें मिली हैं। तो याद रखिएगा जो कस्सी का अभिलेख है ना, ये आपके 1600 BC का है। और आपको ये भी पता होगा कि
आपका जो वैदिक सभ्यता है इसकी जो समय सीमा थी 1600 से छः आपके आपके 1500 से 600 BC के लगभग थी, अभी पीछे पड़ाए हैं। तो ये जो है यहाँ पे इस ईरान में है कस्सी का अभिलेख। इस अभिलेख में ये लिखा गया है कि जो आर्य लोग थे ये धीरे धीरे भारत की ओर क्या किए हैं, प्रस्थान किए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये बोगज कोई अभिलेख है। अगर हम बोगज कोई अभिलेख की चर्चा करना चाहें तो बोगज कोई अभिलेख में क्या क्या बताया गया सुनिएगा। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा एशिया माइनर का अभिलेख भी इसे कभी कभी कह देते हैं, या मध्य एशिया का अभिलेख भी कह देते हैं। ये कब का अभिलेख है, 1400 BC का क्या है अभिलेख है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में लिखा गया, तो याद रखिएगा इंडो ईरानी भाषा में लिखा गया, इंडो ईरानी भाषा में लिखा गया है। और बात करते हैं इसकी खोज कब हुई थी, ये याद रखिए तो 1907 में खोज की गई। किसके द्वारा, हुंगो के द्वारा, हुंगो द्वारा इसकी क्या की गई, खोज की गई, इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या बताया गया, कहा गया है कि जो चार वैदिक साहित्य में देवता हैं, जो चार वैदिक, देखिए बाद में लिखा गया है, तो चार वैदिक देवता हैं ना, जो चार वैदिक देवता हैं, वे तो बाद में लिखा गया, जो चार वैदिक देवता हैं वे जो हैं एकदम सेम वही नाम से कहाँ पे हैं, इस बोगज को यह अभिलेख में उल्लेखित है। अगर वो लोग यहाँ ना आए होते तो उन देवता के बारे में कैसे जानते। तो ये चार वैदिक जो आपके देवता हैं वो कौन कौन से पूछा जाता है, तो एक देवता है इंद्र, एक देवता है वरुण, एक देवता है मित्र और एक देवता है नासत्य। जो ये चार देवता हैं ये आपके जो चार वैदिक देवता हैं यहाँ वेदों में भी मिलेंगे, अब बोगज को अभिलेख में भी उल्लेखित है। तो कैसे ये संभव हो गया कि यहाँ पर भी लिखा गया वेद में भी और बोगज को अभिलेख में, जब वो अगर यहाँ ना आए हो तो कैसे पता चलता। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो वेद में है अग्नि को पवित्र माना गया है, अग्नि का उल्लेख वहाँ पर नहीं है, बोगज को अभिलेख में पूछा जा सकता है। तो ये रहा हमारा बोगज को अभिलेख। और भी चीज़ें हैं अगर आपसे बात किया जाए, कि जो आपके याद रखिएगा ईरान में एक साहित्य और मिला है, ईरान में एक साहित्य और मिला है जिसका नाम है जिंद अवस्था। जिंद अवस्था देखिए दिमाग में आ गया तो यहीं बता देते हैं, जिंद अवस्था एक ईरानी साहित्य है। और जो वेद की बात करें, वेद और जो जिंद अवस्था है इसमें कुछ शब्द मैच करते हैं, जैसे इंद्र को यहाँ पर भी क्या कहा गया, इंद्र ही कहा गया है, और वायु को यहाँ क्या कहा गया, वायु कहा गया है अवस्था में। अगर बात करें मित्र को यहाँ क्या कहा गया, मित्र कहा गया है। ये तीन बातें बिल्कुल मैच करती हैं किससे, वेद से और आपके जिंद अवस्था से। तो ये रहा हमारा कुछ बातें यहाँ से बता दिए। और बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ और खास बातें, देखिएगा जैसे मृदभांड की बात कर लेते हैं, तो उस समय मृदभांड जो मिले हैं दो प्रकार के मिले हैं, एक चित्रित धूसर आपका मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड मृदभांड मिले हैं, और एक मिला है याद रखिएगा गेरुवर्णी माने भूरे कलर का मृदभांड, जो वहाँ पे मैच किया है यहाँ पर भी मिलता है आर्य सभ्यता में। तो ये रहा हमारा कुछ खास बातें। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कहाँ के बारे में, वैद आपके साहित्यिक स्रोत के बारे में। आइए साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं, साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं। तो अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो साहित्यिक स्रोत है इसमें सबसे पहला वेद है, दूसरा बात कर लेते हैं ब्राह्मण है, तीसरी बात कर लेते हैं अर्णक है, और चौथा बात कर लेते हैं उपनिषद है। ये मात्र केवल चार ही क्या हैं, साहित्यिक स्रोत है, और कोई साहित्यिक स्रोत नहीं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है साहित्यिक स्रोत को क्या कहा जाता है, ये जो ये सभी हैं इन्हें वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्जाम में सीधे आ जाए, इन्हें वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। इन चारों को वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, ऑप्शन दे देगा वेद, ब्राह्मण, अर्णक और वेदांग। तो याद रखिएगा ये वेदांग जो है वह आपके इसमें नहीं आएगा। तो वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अर्णक हो गया, उपनिषद हो गया, हम इन सभी की चर्चा एक एक करके पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये सभी बाद में लिखे गए, ये सभी क्या है बाद में लिखे गए हैं। और बात करें एक पॉइंट देखिएगा ध्यान से, क्यों लिखे गए बाद में, क्योंकि जो आर्य सभ्यता के लोग थे, क्योंकि जो आर्य वाले थे आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का
ज्ञान नहीं था, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो लिखेंगे कैसे? और एक पॉइंट और सुनिएगा, तो इसलिए इसका मतलब ये बाद में लिखा गया। अगर तो ये नॉलेज कैसे आगे बढ़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा? तो याद रखिएगा, जो वार लोग थे वे अपने नॉलेज को एक आदमी से दूसरे आदमी को सुनाते थे, दूसरा आदमी तीसरे आदमी को। मतलब कहने का ये प्रथम जिसको नॉलेज है ये दूसरे को सुनाया, ये किसी दूसरे को सुनाया, ये किसी अन्य को सुनाया। जैसे लिपि का ज्ञान हो गया इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे बात करते हैं कि ये लिपि का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए याद रखिएगा जो ये वैदिक साहित्य होते हैं इन्हें आपका क्या कहा जाता है, अपुरुषीय कहा जाता है। अपुरुषीय का मतलब कि ये किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इन्हें क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति साहित्य का क्या मतलब है? श्रुति साहित्य का मतलब ये जो नॉलेज है एक आदमी से दूसरे आदमी को सुनकर के पहुंचाया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, श्रुति साहित्य। और इसे एक नाम और दिया जाता है, नित्य कहा जाता है। तो ये आपका आपको वैदिक साहित्य को अपुरुषीय, श्रुति साहित्य और नित्य कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे दीप में, कौन, वेद के बारे में, ब्राह्मण के बारे में और आर्णक और उपनिषद के बारे में। तो हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, वेद के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।